कंप्यूटर बाबा ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास भोपाल लोकसभा सीट पर लड़ने के लिए कोई प्रत्याशी नहीं था, तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बलि का बकरा बनाया गया। वहीं इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस की जीत होगी। केंद्र मंत्री का दर्जा प्राप्त कर चुके कंप्यूटर बाबा, जहां एक ओर भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के लिए साधु संतों के साथ में प्रचार प्रसार कर कांग्रेसी जीत का दावा किया, वहीं कंप्यूटर बाबा अब इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी पंकज संघवी के लिए भी प्रचार प्रसार करेंगे। संस्था सूर्य मंच के बैनर तले बुधवार को एक निजी होटलों में कांग्रेस कार्यकर्ता और कंप्यूटर बाबा के बीच एक बैठक हुई, जिसमें कंप्यूटर बाबा द्वारा बताया गया कि हजारों की संख्या में साधु संतों के साथ में मिलकर कांग्रेस प्रत्याशी पंकज संघवी का प्रचार प्रसार करेंगे एवं जनता के बीच में जाकर अपील करेंगे कि कांग्रेस प्रत्याशी पंकज संघवी को इंदौर से विजय बनाकर संसद से रूप में दिल्ली पहुंचाएं और राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं। इस दौरान कंप्यूटर बाबा ने भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को झूठा बताया। कुछ लोगों ने मुझे फरार की लगाया कि फरार है, क्या बात लिखते हैं। अपने अपने मीडिया के बंधुओं से अनुरोध है कि अपने मीडिया का भी स्वाभिमान रखें, गरिमा रखें। मैं फरार क्यों हूँगा, मेरा कार्यक्रम ही था, 3 दिन का कार्यक्रम था। बीजेपी ने लगाया था कि आप फरार हो रहे हैं। वो तो उन्होंने नहीं, मीडिया ने लिखा था। लिखना क्या चाहिए वो ठीक है, हमारे मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देंगे, कम से कम पूरे देश में दिखाया है कि पूरा संत समाज बेहद नाराज है, बीजेपी से नाराज है, पूरे देश का संत नाराज है, इसलिए नाराज है। देखिए, कम से कम 7,000 से ऊपर महात्मा थे, पूरे देश के महात्मा थे, और भोपाल में इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। एक प्रज्ञा जी को इसलिए किया कि बलि का बकरा बना दिया। अरे भाई, तुम्हारे पास कोई था नहीं, शिवराज तो थे लड़ते चुनाव दिग्विजय सिंह के सामने, उमा भारती, सब ने मना कर दिया। अंत में प्रज्ञा जी को, जिन्होंने जेल में थी उनको तो जमानत में बाहर आई हैं, इनके पास कैंडिडेट भी नहीं बचे, और एक बेचारे बलि का बकरा प्रज्ञा जी को बना दिया। और लड़ाने का काम इन्होंने, एक धर्म की बात करती फिर भी धर्म का चोला ओढ़ने के लिए अब इंदौर में पूरा संत समाज के साथ में पूरा देश अब एक निगाह से देख रहा है कि यहाँ बहुत साल हो गए, बीजेपी के पास चाबी थी, बीजेपी के पास, अब यदि अब चाबी जो है कांग्रेस के पास जाएगी। और बैठक के अंत में कंप्यूटर बाबा ने संस्था के पदाधिकारी सनी पठारी व शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन की उपस्थिति में कांग्रेस की जीत का संकल्प भी कार्यकर्ताओं को दिलाया। इंदौर से राजीव थाड़ा की रिपोर्ट।